नमस्कार, किरण्स रेसिपी में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज्ज़ा। आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, थोड़ा आप ऐसे काट लें, थोड़ा लंबी पतली काट लें। बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा लंबा पतला काट लें प्याज। नमक, काली मिर्च पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो, रेड चिली सॉस, इसकी जगह आप पिज्ज़ा सॉस भी ले सकते हैं, पिज्ज़ा बेस और पिज्ज़ा चीज़। आइए अब हम पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप पिज़्ज़ा बेस ले लें। पिज़्ज़ा बेस हमें मार्केट में कहीं भी मिल जाता है। इसमें हम एक तरफ रेड चिली सॉस लगाएंगे, इसको फैला लें ऐसे। रेड चिली सॉस को हम चारों तरफ फैला लेंगे पिज्जा के। इसकी जगह आप पिज्जा सॉस भी ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, ये बारीक जो हमने प्याज काट कर रखा हो, बारीक प्याज डालेंगे इसके ऊपर। प्याज को भी आप बेस के ऊपर चारों तरफ फैला लें। शिमला मिर्च, इसको भी आप इसके ऊपर डाल दें, इसको भी चारों तरफ फैला लें अच्छी से। ऐसे आप पिज्जा बेस के ऊपर प्याज और शिमला मिर्च फैला लें। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक डाल लें आप हल्का सा, बहुत ज़्यादा ना डालें, हल्का नमक डालें क्योंकि चटनी में भी हमारा नमक है नीचे। काली मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर भी डाल दें। ओरिगैनो, ओरिगैनो भी डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा बचा लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पिज़्ज़ा चीज़। पिज़्ज़ा चीज़ को आप कद्दूकस कर लें बारीक ऐसे, इसको डाल देंगे इसके ऊपर से। अगर आप चीज़ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें लगाएंगे पतले लंबे जो हमने शिमला मिर्च काटी है, उसको लगा लें, बिल्कुल बारीक पतली पतली काट लें, इसके ऊपर लगा दें ऐसे, हल्का सा दबा दें नीचे। ऐसी पतली लंबी शिमला मिर्च लगा लें और पतला प्याज, इसको भी लगा लें थोड़ा इसमें, जो हमने पतला प्याज काट के रखा हुआ। ऐसे आप पिज़्ज़ा को तैयार कर लें। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स डाल लें आप इसके ऊपर। और ओरिगैनो, थोड़ा ओरिगैनो भी डाल देंगे इसके ऊपर से। आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसे ओवन में बनाएंगे। पिज़्ज़ा को आप माइक्रोवेव के स्टैंड में लगा लें, इसके दो स्टैंड होते हैं, एक छोटा एक बड़ा, आप बड़े स्टैंड में लगा लें इसको। ओवन को खोल लेंगे, पिज़्ज़ा को हम इसके अंदर रखेंगे। ओवन बंद कर देंगे, ओवन का बटन ऑन कर लें। माइक्रोवेव में आप ग्रिल मोड को ऑन कर लें। ग्रिल मोड में हम इसे 5 मिनट में रखेंगे। और स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट कर लें और इसे आप पांच मिनट हो चुके हैं। अब हम ओवन को बंद कर देंगे। अब हम पिज़्ज़ा को ओवन के अंदर 1 मिनट और रहने देंगे, उसके बाद ही हम इसको बाहर निकालेंगे। 1 मिनट हो चुका है, अब हम ओवन को खोल लेंगे, पिज़्ज़ा को बाहर निकाल लेंगे। ओवन को खोल लें आप, पिज़्ज़ा को हम बाहर निकाल लेंगे। पिज़्ज़ा हमारे बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बना है। एक प्लेट ले लें आप,
ऐसे एक प्लेट ले लें, पिज़्ज़ा को हम प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे पिज़्ज़ा को आप भी प्लेट में निकाल लें। गर्मा गर्म पिज़्ज़ा बनकर तैयार है, अब हम इसे काट लेंगे। काट लें पिज़्ज़ा को आप। पिज़्ज़ा को हमने छोटे पीसों में काट लिया है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बना है। पिज़्ज़ा को आप ज़रूर बनाएं, इसको बनाना बहुत आसान होता है, ये बच्चों को खास तौर पर बहुत पसंद होता है। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं। और अधिक रेसिपी जानने के लिए आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप अपना अनुभव किरण सी रेसिपी पर शेयर करना ना भूलें।